अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय होम फूड, आपका किचन मेरा रेसिपी। और आज की रेसिपी है फिश तंदूरी बिरयानी। इस बिरयानी को मैं कैसे बनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर एक नया वीडियो आप मिस ना करें। यहाँ पे सबसे पहले मैं मछली को मैरिनेट करूँगी, इसलिए मैं यहाँ पे मैरिनेट के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक मिक्सर जार में थोड़ा सा अदरक लहसुन, 3 से 4 हरी मिर्च और थोड़ा सा पुदीना और धनिया पत्ता लिया है, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पर मैंने 4 मछली के पीसेस लिया है और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ी चम्मच कर्ड यानी दही और 1 नींबू का रस। यहाँ पे मैंने रोहू मछली लिया है, आप अपने मनपसंद के कोई भी मछली ले सकते हैं। नींबू का रस डालने के बाद यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ग्रीन पेस्ट डाला है, उसके बाद 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून बिरयानी मसाला। ये बिरयानी मसाला का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये होममेड बिरयानी मसाला है। और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च पाउडर, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आज मैं तंदूरी फिश बिरयानी बना रही हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर यूज़ किया है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे मैंने 400 ग्राम्स बासमती चावल लिया है, इसे मैंने 2 बार अच्छे से धो लिया है। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे 1/2 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे मैंने 1 बड़ा भगोना लिया है और उसमें करीब 1 लीटर पानी ऐड किया है, और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 तेज़पत्ता, थोड़ा सा शाहजीरा, 2 से 3 इलायची, 1 स्टार अनियन, थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, 1 दालचीनी का स्टिक, 2 से 3 लौंग, 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पत्ता और 1/2 नींबू का रस। इससे चावल खिले खिले बनेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है और इसे ढककर बॉईल आने तक पकाएंगे। हम देख सकते हैं पानी अच्छी तरह से उबल गया है और यहाँ पे मैंने सोक किया हुआ चावल ऐड कर दिया है। आपको पानी के उबलने के बाद ही चावल को ऐड करना है। जब तक चावल पकता है तब तक यहाँ पे हम मछली को फ्राई कर लेंगे। मछली को मैरिनेट होके भी लगभग 1 घंटा हो गया है और यहाँ पे मैंने 1 कढ़ाई गर्म कर लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल ऐड किया है, उसके ऊपर मैं मछली को डाल रही हूँ। मछली को गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर ले। मछली को मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रहे, उसमें बहुत सारे मसाला है, नहीं तो मसाला जल जाएगा। आपको मीडियम फ्लेम पे ही मछली को फ्राई करना है। मछली को फ्राई होने दे और यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल अच्छी तरह से उबल रहा है। आप एक बार चावल को चेक कर ले। यहाँ पे चावल को 80% कुक करना है। यहाँ पे चावल कुक हो गया है, मैं इसको अच्छे से छान के चावल को पानी से निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने चावल को 80% कुक किया है। यहाँ पे मैंने सारे चावल को अच्छी तरह से छान लिया है, इसे साइड में रख ले। इधर मछली भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, मैं मछली को 1 प्लेट में निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने 1 कढ़ाई लिया है, उसमें जो आप तेल देख रहे वो तेल में मैंने बिरयानी बनाने के लिए थोड़ा सा प्याज फ्राई किया है। मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया है। मैं उसी तेल में ही थोड़ा सा ब्लैक पेपर, 2 इलायची, थोड़ा सा जावित्री, 1 तेज़पत्ता और 2 से 3 लौंग ऐड किया है।
उसको थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के प्याज को पेस्ट करके रख लिया था, मैंने उसको ऐड कर दिया है। उसको ऐड करने के बाद ही जल्दी से ढक दें, नहीं तो गरम तेल में डालने की वजह से आपके ऊपर आ सकते, इसलिए आप जल्दी से ढक लें। फिर मैंने यहाँ पे दो मिनट उसको भुना है, फिर थोड़ा सा ढक कर फिर इसके ऊपर मैंने एक बड़ा साइज़ का टमाटर को पेस्ट करके रख लिया था, मैंने उसको डाल दिया है। उसको डालने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हाफ कप दही, इसमें लगभग 3 टेबल स्पून दही है, मैंने इसको डाल दिया है। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ मैंने जो पहले मछली को मैरिनेट करने के लिए ग्रीन पेस्ट बनाया था, मैं बचा हुआ ग्रीन पेस्ट मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लें। फिर मछली को मैरिनेट किया था जिस मसाले से, उस मसाले को भी मैंने डाल दिया है। मसालों को ढककर थोड़ी देर पकाए, जब तक मसाला पकता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम दूध लिया है और उसमें मैं 2 बड़ी चम्मच घी ऐड किया है। अब उसमें एक पिंच के जितना केसर ऐड किया है, इसे भी साइड में रख ले। और यहाँ पे मैंने दूसरे एक बोल में थोड़ा सा रोज़ वाटर लिया है और उसमें 1 टेबल स्पून केवरा वाटर ऐड किया है, और इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर रही हूँ। इसे भी मिला के साइड में रख ले। और यहाँ पे मसाले भी थोड़ा ड्राई हो गया है, आप देख सकते हैं। एक बार अच्छी तरह से मिला ले। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून होममेड बिरयानी मसाला। सारे मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। फिर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और 2 से 3 हरी मिर्च। सारे चीज़ों को डालने के बाद मैंने एक बार अच्छी तरह से मिला लिया है और इसे ढककर मैं 5 मिनट के लिए पकने दूंगी। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाला थोड़ा सा ड्राई हो गया है। इसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कसूरी मेथी, मैंने हाथ से थोड़ा क्रश करके डाला है। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा फ्राई किया हुआ प्याज। सारे चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिला लिया है मैंने। फिर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ हाफ कप के जितना जो चावल पके हुए पानी था उसको, अब नॉर्मल पानी की जगह इस पानी को डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है और ऊपर से मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने सारे मछली को डाल दिया है। मछली को डालकर ढक्कन लगा दे और 2 मिनट इसे पकाए। और यहाँ पे 2 मिनट हो गया है, अभी इसके ऊपर से चावल डालेंगे। इस टाइम पे अगर आपको मछली पीसेस में खाना पसंद है तो आप इस टाइम पे मछली को निकाल के रख सकते हैं। आप भी चावल के लेयर के बीच में मछली को डाल सकते हैं, पर मुझे ग्रेवी में मछली रखना ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने ग्रेवी में ही मछली को रखा है। मैं उसके ऊपर से चावल का एक लेयर डाला है, उसके ऊपर थोड़ा सा फ्राई किया हुआ प्याज डाला है, उसके ऊपर से थोड़ा हरा धनिया पुदीना डाला है। फिर मैंने जो रोज़ वाटर को रेडी करके रखा था उसको थोड़ा सा डाला है, उसके ऊपर से और एक लेयर चावल डाला है, उसके ऊपर फिर से थोड़ा सा फिर फ्राई किया हुआ प्याज डाला है, फिर थोड़ा धनिया और पुदीना डाला है, फिर रोज़ वाटर को डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने जो दूध रेडी करके रखा था वो भी डाल दिया। मैंने कैसे बनाया आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई को ढक दिया है और यहाँ पे लीड पे जो होल है मैंने उसको पेपर से बंद कर दिया है। और यहाँ पे मैंने तवा गरम कर लिया है और तवा के ऊपर कढ़ाई को रख दिया है, और इसको मैं 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाया है।
और ये देखिए यहाँ पे फिश तंदूरी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। इसे मैंने टोटल 30 मिनट्स पकाया है। ये बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर एक नया रेसिपी आप मिस ना करें। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।